हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव में, लखोटेल गांव में, जिक्रिया भाई के जा रहे हैं, जिक्रिया भाई के गांव में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज हमें बहुत मजा आएगा, एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम जिक्रिया के गांव में आ चुके हैं, तो जिक्रिया काफ़ी खुश लग रहा है इधर आके। रश्मि भाई, क्या फीलिंग आपकी है इधर आके? मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है भाई के गांव में आकर, काफ़ी खूबसूरत गांव है। क्या तो मैं चाहूँगा आप भी ज़रूर आएँ, विजिट करें भाई के, भाई के गांव। तो अभी जोशुआ भाई मुझे ना गांव घुमा रहे थे और बता रहे थे साथ साथ, तो ये आपसे शेयर करेंगे कि ये अपने गांव में गांव की कोई भी याद ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इधर तो गांव में काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, और जोशुआ भाई से पूछेंगे कि वो अपने गांव की कोई मेमोरी शेयर करें हमारे साथ। जी जोशुआ भाई, अभी हम गांव में आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है गांव में, ये हरियाली के देख के और बड़े प्यारे प्यारे खेत हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में हम भी ऐसे ही गांव में खेला करते थे और अमरूद तोड़ते थे और ट्यूबवेल में नहाया करते थे, शलजम खानी हमने उतार के, तो वो बड़ा मज़ेदार होता था एक्सपीरियंस। तो अभी हम गांव में आए हैं और ये सब कुछ देख के तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। उसके साथ साथ सर्दी भी लग रही है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। खुला इलाका है ना, तो आता जाता हर बंदा हमें देख रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी मज़े का है, और जो फ्रेश एयर है वो आपको फील हो रही है गांव में आके। लेकिन आपने जो शलजम वगैरह की बात की है, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अभी वो सीज़न नहीं है ना उसका, तो आएगी आएगी तो फिर हम वो भी विज़िट करेंगे ज़रूर। अभी हम पहुँच चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? घूमने के लिए, बस घूमने के लिए जा रहे हैं।